यार बंदर हमारा सारा सामान लेगा मेरी मेलोडी खा गया मेरी मेंटोस यहाँ पे लड़ाई दंगे हुए हैं क्योंकि देखो चेयर्स टूटी फूटी पड़ी है गिरी हुई है तभी कैंटीन भी बंद पड़ी है जल गए यार सारे पेड़ सारा काला काला सा हो गया पूरा नीचे तक फोन किसका है उधर रखा हुआ मेरा डिपार्टमेंट वाला काम पूरा हो गया मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ हेलो गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ मुझे आपको अपडेट देना है कि मेरे एग्जाम्स जस्ट तीन दिन में है अब बहुत क्लोज आ गए एग्जाम्स सो so, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है थोड़ी थोड़ी लेकिन आज से मुझे अच्छे से पढ़ाई शुरू करनी है टाइम टेबल बनाकर जैसे बचपन में करते थे वैसे ही करूँगी मैं बिकॉज मुझे पता नहीं चलता वरना दिन कैसे निकल जाता है और बस यही है मंडे से मेरे एग्जाम्स है सो so, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा सो so, मैं नहा चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी फिर ऐसे ऐसे बीच बीच में पढ़ाई करती रहा करूंगी गाइस कल इतनी बारिश हुई थी इतनी बारिश हुई थी अब मौसम देखो ठंडा भी है और अच्छा भी है कल जब इतने दिनों बाद बारिश हुई ना यार इतना रिलीफ मिला क्योंकि ठंडक सी पड़ गई हर जगह अच्छा सा टेम्परेचर हो गया बहुत ज्यादा प्लस कहीं पर अगर आग वाग भी फॉरेस्ट में लगी हुई थी तो वो भी बुझ गई होगी इससे बड़ा अच्छा सा लग रहा है गाइज मैंने काफ़ी नोट्स बना लिए अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी फिर दोबारा कंटिन्यू करूंगी गाइज पढ़ाई करने के बाद मैं अपना थोड़ा शूट करी थी क्योंकि काम भी जरूरी है यार बहुत ज्यादा और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ मैंने शॉर्ट्स बनाया इस पे मैंने एक ब्रश ऑर्डर करा है फोर इन वन ट्रैवल के लिए एंड वो बहुत अच्छा है ऑनेस्टली मुझे तो बहुत अच्छा लगा है रुक जाओ मैं आपको दिखाती हूँ गाइज ये ओपन हो जाता है और इसमें से एक साइड ये वाला ब्रश निकलता है आई का और ये वाला भी ओपन हो जाता है इसके अंदर भी एक ब्रश निकलता है सो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा लग रहा है मुझे तो इसके ब्रिसल्स भी बहुत सॉफ्ट हैं सो so, यूज़ करके मैं बताऊंगी कैसा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है गाइज मुझे ना बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि आप पढ़ाई करते हो तो हमें जरूर दिखाना कि आप कैसे पढ़ाई करते हो कि क्या क्या वेज है आपके सो so, मैं ट्राई करती हूँ बीच बीच में पढ़ाई के अपने कि आपको बताऊँ कि क्या टिप्स हो सकते हैं और आपके पास भी कोई टिप्स हो तो मुझे जरूर देते रहना कि मैं कैसे इफेक्टिवली एग्ज़ाम से दो तीन दिन पहले पढ़ाई कर सकूं क्योंकि अब जो मेरे एग्जाम्स होंगे उनमें सिर्फ एक एक दिन की छुट्टी होगी अभी तो मेरे पास बहुत सारी छुट्टियाँ थी बट आग, आगे वालों में एक एक दिन की है बस guys, देखो बाहर बारिश हो रही है oh my God, कितना अच्छा लग रहा है है यार। One eternity later. Hello guys, finally, वो दिन आ चुका है, मेरे एग्जाम का दिन आज मेरा फर्स्ट एग्जाम है सो गाइज विश मी लक कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए दो तीन दिन मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी सो so, आज बस कॉलेज जाऊंगी अभी मैं नहा कर आई हूँ चेंज करके फटाफट से कॉलेज निकलूंगे कॉलेज में रिवीजन करते हैं ना हम लोग साथ में बैठ कर तो ज़्यादा अच्छे से याद रहती है चीज़ें सो so, बस इसीलिए रेडी होकर खाना खाकर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके फिर कॉलेज को निकलूँगी एंड हाँ मैं अच्छा मतलब कॉन्फिडेंट हूँ आज के लिए कि कि मैंने आ, पढ़ाई तो की हुई है सो so, देखते हैं क्या कैसा रिजल्ट रहता है सो so, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड and... मैं नहा गई हूँ ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एग्जाम्स में अपनी किट और क्या क्या लेके जाती हूँ एसेंशियल्स जो कि हमें एग्ज़ाम में लेके जाने चाहिए अभी रुक जाओ दिखाती हूँ सो so, मैं क्या क्या लेके जाती हूँ पहला तो ये रबर बैंड है अपने बाल टाई करने के लिए वॉच बिकॉज हमें पता नहीं है ना कि क्लास में वॉच हो या ना हो तो हमें पता होना चाहिए टाइम क्या हो रहा है बार बार टीचर से पूछना अच्छा नहीं लगता किट मेरी किट में क्या क्या होता है मैं भी आपको दिखाती हूँ ये सबसे पहली चीज़ तो ये नोट्स है ये मैं सोचना कि मैं चीटिंग के लिए लेके जा रही हूँ ये रिवाइज़ करने के लिए हम लेके जाते हैं इसे मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ क्लासरूम के तो अभी रिवाइज़ करने के लिए मैं लेके जा रही हूँ एडमिट कार्ड आ, कैश कैश मतलब फाइव हंड्रेड रुपीज़ एमरजेंसी या कैंटीन में कुछ खाना हो जाए तो पता नहीं टिश्यू पेपर्स मैंने क्यों रखे हुए हैं एंड पेंसिल पेन ब्लू पेन ब्लैक पेन इरेजर ये सब कुछ है मेरी किट में और पेन्स और बहुत सारे पेन्स हैं पता नहीं क्यों इतने पेन लेके घूम रही हूँ मैं गाइज इस किट ने मेरा इतना साथ दिया इतना साथ दिया ये मेरे मास्टर्स का फोर्थ सेमेस्टर है तो मेरे जितने सेमेस्टर्स जा चुके हैं मतलब सब में मैं ये किट लेके जाती थी इसमें इतना सामान आ जाता है इतना सामान आ जाता है तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है किट प्लस आप बैग लेके जा नहीं सकते ना क्योंकि क्लासरूम में नहीं लेके जा सकते आप तो मैं ऐसे किट लेके जाती हूँ उसमें सब कुछ भर देती हूँ मैं सो ये मेरी फेवरेट किट है मैं इसे मिस करूँगी जो मेरी मास्टर जाएगी तो मैं इसे किस चीज़ में यूज़ करूँगी पता नहीं ऑल्सो गाइज जो मैंने क्वार्ट सेट ऑर्डर किया था मैंने वही पहना है आज क्योंकि कम्फर्टेबल सा है एंड एग्जाम में कुछ कम्फर्टेबली पहनना चाहिए यार मैं ना टाइम से पहले तैयार हो चुकी हूँ सो so, मैं पूछ लेती हूँ कि कोई कॉलेज है नहीं है कोई रिवाइज करने पहुँचा होगा तो मैं भी जल्दी चली जाऊँगी मैं भी बैठ कर रिवाइज कर लूँगी प्लस मुझे कुछ काम भी है डिपार्टमेंट में मेरे रिजल्ट में कुछ इशू था वो भी मैं जाके क्लियर करूंगी सो थोड़ा जल्दी जाना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए और मौसम अच्छा है मतलब ना धूप है और ना खराब मौसम है मीडियम है अच्छा है टेम्परेचर भी बहुत मस्त हो रहा है सो लेट्स गो एंड विश मी लक गाइज अच्छा गाइज मैंने uh, एक टिप देखी थी कि आपको अपने कैमरा को 0.5x में यूज़ करना चाहिए अगर आप व्लॉग कर रहे हो सो so, आपको ये मोड अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें दूर से दिखता है व्यू और बैकग्राउंड दिखता है ये आपको नॉर्मल पसंद है ये मुझे जरूर बताना क्योंकि मुझे आई नो मतलब मैं कन्फ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा कैज मेरे घर के पास काम चल रहा है मतलब जो पिछले मानसून uh, में लैंड आ गया था तो मानसून से पहले शायद इसमें डंगा वंगा कुछ तो लगा रहे हैं ये देखो और ये मारा कैसे सोई हुई है रोड पर मारा मारा विशमी लक मारा सो रहे है यार ये तो भी वो देखो कितना कितना लैंडस्लाइड आ गया था पिछली बार यार बस इस मानसून से पहले इसे ठीक कर दे तो सही रहेगा गाइज़ ये देखो जंगलों का हाल जब आग लगी थी ना तो कैसे जल गए यार सारे पेड़ सारा काला काला सा हो गया पूरा नीचे तक मतलब इतना हरियाली होती थी यहाँ पर इतनी ग्रीनरी होती थी और अब देखो यार बहुत ही बुरा लगता है इसे देख कर गाइज़ मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ मैं वेट कर रही हूँ आरती अभी आ रही है हमें डिपार्टमेंट जाना है कुछ बात करने तो बस बस वेट ही कर रही है शायद आने वाली होगी हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर भी जो मानसून में चीजें खराब हुई थी ना उसकी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है <laughs> कितना पड़ा है पड़ा पढ़ाया ये बताओ स... चले अब ऊपर पुरानी यादें ताज़ा करें पुरानी यादें ताजा नहीं करें करे डांस क्यों मुझे <laughs> तो तो हम आ चुके हैं मेरा डिपार्टमेंट वाला काम पूरा हो गया मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ इसका भी नहीं हुआ है बच रहा है क्योंकि जो सर है वो थोड़े खड़ूस टाइप के क्या, क्या फायदा हजार रुपये तो वेस्ट करे हाँ मेरे पैसे वेस्ट हो गए मेरे एक एग्जाम था अब क्या ही बताऊँ लॉन्ग स्टोरी लो, है लड्डू बांटो मैंने मेरा रिजल्ट अटका हुआ था और उसमें मेरे ए प्लस है यार और इन्होंने अटकाया हुआ था वो रिजल्ट मुझे इतना बुरा लग रहा था अब क्लियर होगा मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ बहुत ज्यादा तो हमें एक स्पॉट मिला है कैंटीन के बाहर कैंटीन से यहाँ बंद हो गई यार सारी पता नहीं क्यों तो अभी हम पढ़ाएंगे पढ़ाई करेंगे रिवाइज करेंगे तब तक अदिति भी आ जाएगी और लोग भी आ जाएंगे तो पढ़ाई शुरू करते हैं यार ये वाला एग्जाम थोड़ा मुश्किल भी है।, बहुत, बहुत मुश्किल है।, मतलब रहा है हमने ये अज्यूम किया यहाँ पे लड़ाई दंगे हुए है क्योंकि देखो चेयर टूटी फूटी पड़ी है गिरी हुई है तभी कैंटीन भी बंद पड़ी है यहाँ पे दंगे कर रखे बहुत बुरी तरीके से मुझे पर हमने ये स्टॉक ले लिया अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का यार बंदर हमारा सारा सामान ले मेरी मेलोडी गया मेरी मेंटोस देखना फोन भी है तुम्हारा किसी का यार चिप्स तो उठा लो मेलोडी मैं देख गया सारी खा गया हमें भी समझ नहीं आती इतने टाइम के साथ ये हो चुका है दस सौ बार ये शो हो चुका है पर मैं कभी मानती नहीं नहीं फटेगा भाई क्या करना है तुमने इसे ये फोन तो उठाओ भाई किसका फोन है किसका फोन है किसका फोन? फोन किसका है उधर रखा हुआ जाओ 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 आरती यू कैन डू इट यार उस मत जाओ सब कुछ खा गया हमारा तो चलो भाई भागे। दे यार, दे मेरी मेलोडी खा गया यार, बाकी तो कुछ नहीं मेंटोस भी खाएगा भाई भाई रहने तो हमारा पेपर है यार, छोड़ दे कुछ तो हेलो कैसे दे दे हो यार तुम्हें पता है हमारी सारी चीजें खा गए बंदर क्या क्या खाएगा हमने कितना कुछ ले रखा था यार हमने चिप्स ले रखे ले रखे थे पता ये भी आई ना तो हमने इसे भी खिलाया क्या सात मिनट में बालूगंज से है

और वहाँ पर तीन घंटे बैठना बेंचेज वर सो अनकम्फर्टेबल मतलब क्या ही बताऊँ लेकिन अब हो गया शुक्र है यहाँ पर अभी बारिश हुई थी अब मौसम सही हो गया शुक्र है अच्छी बात है मतलब यहाँ पे क्या लिखा है लव डिसिप्लिन एंड एक्सीलेंस मेरे घर आते ही मुझे कौन मिला है इतने दिनों बाद कहाँ था तू कौ तो कौ तो हम्म बैठ गया